गाइस समुद्र के थोड़ा और पास आते हुए गाइस हम पहुंच चुके हैं मन्नत के बाहर से और अभी शाहरुख खान सर आ रहे हैं। तुम्हें ऐसी क्या बात है, शाहरुख खान सर ने अपनी बालकनी में आके तुम्हें बर्थडे विश किया। बताओ बताओ बताओ। हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू रिदम सोनी व्लॉग्स। एंड आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मुंबई के एक होटल से और अभी हमें गाइस साकी नाका एक डोरमेट्री में, एंड जिस डोरमेट्री में हम लोग रुके हुए थे ना भाई, लग ही नहीं रहा था कि डोरमेट्री है क्योंकि इससे पहले भी हम वृंदावन सोन में जब रुके हुए थे तो वहां पर लाइक वॉशरूम वगैरह में थोड़ी दिक्कत तो होती है क्योंकि कॉमन होता है चीजें, लेकिन यहाँ पर दे आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीन अप। भैया हर कस्टमर्स के लिए ऐसी रहता है जो भी गेस्ट आते हैं। ये लोकेशन कहाँ पर है आपकी बेसिकली? ये साकीना का तिलक नगर घाट पर रोड पे है सर ये। अगर आप लाइक मुंबई आ रहे हो ना तो भाई यहाँ पर से आप नंबर को स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पॉज करके रख लेना, क्योंकि मुंबई आने में सबसे ज्यादा मेजर जो प्रॉब्लम रहती है होटल्स की रहती है। यहाँ पर बहुत कॉस्टली है, खाना सस्ता मिलेगा आपको लेकिन होटल्स वगैरह बहुत कॉस्टली है, लेकिन भैया ने हमें सफिशियंट अमाउंट में एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया था। थैंक यू सो मच भैया। आज हमारा बर्थडे है गाइस, तो मतलब आपका आपका, अरे दोनों एक ही बात है। हैप्पी बर्थडे टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल, और रेडी होके निकल चुके हैं। सोनू भी प्यारी लग रही है और मैं तो लगता ही हूँ हमेशा की तरह। उल्टा बोल दिया आपने। तो फिलहाल हमारा एक लोकल बॉय हमें मुंबई वाले भैया मिल चुके हैं, उन्होंने बोला कि भैया आप CST आ जाओ, हम आपको पूरा मुंबई घुमाएंगे। एंड वी गॉट हिम थ्रू इंस्टाग्राम, और थैंक यू सो मच भाई इतना टाइम देने के लिए हमारे लिए। तो फिलहाल यहाँ से घाट ऊपर हमने घाट के ऊपर निकलना है, एंड वहाँ से लोकल ट्रेन से हम निकलेंगे CST के लिए। एंड जो भी आज सेलिब्रेशन रहेगा वो सोनू की तरफ से रहेगा, तो द थिंग्स वट एवर गोज वी विल शो यू। बाकी निकलते हैं। गाइज हम उतर चुके हैं एंड अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। गाइज हमने CST के लिए टिकट ले लिया है और अब सेकेंड प्लेटफॉर्म में जाना है। गाइज हम उतर चुके हैं CSMT पे एंड यहाँ पर हमें मिले हैं राहुल भाई। तो राहुल भाई इज फ्रॉम मुंबई, क्या हाल है भाई? सब अच्छा। तो भाई कह रहे हैं अभी हमें गेटवे ऑफ इंडिया लेके जाएंगे, तो भाई के साथ मुंबई एक्सप्लोर करते हैं आज। थैंक यू भाई सो मच, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। कहाँ जा रहे हैं? गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाद जाएंगे मुंबई, मतलब पूरा घूमेंगे थोड़ा थोड़ा जितना भी होता है उतना राहुल भाई घुमाएंगे। एंड द थिंग इज गाइस मुंबई में इस समय बहुत गर्मी है भाई, वो तो अच्छा हुआ कल हमने कॉटन क्लोथ्स खरीद लिए थे जिससे अभी गर्मी थोड़ा कम फील हो रही है, बट उत्तराखंड के हिसाब से नेक्स्ट लेवल गर्मी हो रही है भाई। और गर्मियों में क्या हाल होता होगा इन लोगों का, ये सोच रहा हूँ मैं। घर से बाहर नहीं निकलते होगे? बहुत मुश्किल है घर से। सोनू मुंबई बस जाएंगे क्या? देखेंगे बाद में। अपना उत्तराखंड ही बेस्ट है, बट हाँ मुंबई के लोगों को बहुत सारा प्यार। गाइज टैक्सी से उतर चुके हैं एंड अभी एंटर कर रहे हैं हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। एंड द थिंग इज गाइज यहाँ पर से ना आप मुंबई दर्शन का टिकट ले सकते हैं, एंड मुंबई के जितने ही फेमस प्लेसेस हैं या फिर किसी सेलिब्रिटी का बंगला है वो आपको ये बस टूर करा देगी। तो गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में ही मुंबई दर्शन के लिए टिकट मिलता है। गाइज चेक दिस आउट, गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच चुके हैं हम लोग, और भाई इतनी भीड़ देख रहे हो, लाइक हर कोई अपने फोन में कैप्चर कर रहा है इस गेटवे ऑफ इंडिया को। भीड़ कम होगी तो क्या इलेक्शन भी है, वरना इससे ज्यादा भीड़ होती जितनी भी आपको दिख रही है। एंड गाइस गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में ताज होटल है, रतन टाटा जी का ताज होटल, टाटा जी का तो है ये। और यहाँ पर मैंने सुना है कि डॉग्स वगैरह को अलाउ करते हैं, लाइक अगर अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे डॉग्स कोई भगाता नहीं यहाँ पर, है ना? ये सब पॉलिसीज रतन टाटा जी की वजह से ही है। गाइस अब ताज होटल के पास जाते हैं, अंदर जाने की अभी हैसियत नहीं है, कभी जाएंगे इन फ्यूचर, लेकिन हाँ पास जाके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ओके गाइस चेक दिस आउट, मुंबई ताज होटल, और यहाँ पर बैरिकेडिंग लग रखी है। जब से यहाँ पर लाइक मुंबई में अटैक हुआ था ना उसके बाद से यहाँ पर मुंबई पुलिस का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है, एंड दैट इज नेसेसरी आल्सो। एंड द थिंग इज गाइस यहाँ पर भाई बोल रहे हैं कि चाय पीने का कितना कॉस्ट है भाई? 1500 रुपए की चाय। गाइस 1500 रुपए की चाय ना पूरे साल भर पीऊंगा मैं। ओके गाइस नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल के बाहर से ही फोटो कर ली, अंदर फिर कभी जाएंगे ठीक है, पक्का जाएंगे, लेकिन देख लेना आप इस वाले ब्लॉग को, तब हम लोग कुछ ना कुछ करके ऐसी रील बनाएंगे जब हम ताज होटल के अंदर होंगे। एंड द थिंग इज गाइस अभी हम जा रहे हैं मन्नत के बाहर क्योंकि हमें शाहरुख खान जी का बंगला भी देखना है। सलमान खान का बंगला किधर है? उनके बाजू में ही, अगल बगल है। अच्छा बहुत मजा आ रहा है मेरे को घूमने में। असली मजा पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि राहुल भाई घुमा रहे हैं। सही बात है, क्योंकि हम लोग तो घूम ही नहीं पाते, हम 2-3 घंटे एक जगह पर रहते हैं, फिर हमें पता चलता कहाँ से कहाँ ट्रेवल करना है, खर्चा हमारा डबल हो जाता, बहुत मुसीबत होती है। गाइस पता है अभी क्या हुआ, ऑटो वाले ने हमसे गेटवे ऑफ इंडिया के लिए CSMT से चार्ज किए 200 रुपए, फिर उसने बोला चलो आप 180 दे देना, फिर हम लोगों को राहुल भाई ने बोला कि ये ज्यादा चार्ज कर रहा है, फिर हम लोग दूसरे वाले ऑटो में आए, उसने 30 रुपए पर सवारी कॉस्ट की।
कहाँ 90 रुपए और कहाँ 200 रुपए। भाई यहाँ पर ऑटो वाले हमें सोच रहे हैं हम पता नहीं कौन से प्रदेश से आ रहे हैं, भाई हम भी तो ऐसे हैं जैसे नॉर्मल लोग हैं। इनको हम एलियन लग रहे हैं, एलियन। मुंबई वाले लूटते बहुत है आप। लूटते हैं ना? हाँ बहुत, क्योंकि यहाँ फॉरनर आते हैं और लाइक टूरिस्ट आते हैं तो उनका काम ही यही है, क्या करें। गाइस यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो हाइड्रेशन के लिए नींबू पानी पी रहे हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। गाइस मुंबई में ना मतलब फर्स्ट टाइम बस में बैठ रहे हैं और बस का टिकट बताऊँ 3 लोगों का 18 रुपये मात्र 18 रुपये। गाइस पहुँच चुके हैं हम CSMT और यहाँ से अब हमने पकड़नी है ट्रेन। गाइस हम लोग सोच रहे थे कि बिना टिकट के पहले ट्रेवल करते हैं, यहाँ से हमने जाना है बांद्रा। यहाँ से हमने जाना था बांद्रा, तो हम सोच रहे थे बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं, लेकिन फिर डर लग रहा है कहीं फाइन वाइन पड़ गया तो 20-30 के चक्कर में 500-600 रुपए लग जाएंगे और उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, तो इससे बढ़िया कि टिकट ले लेते हैं और आप लोग भी टिकट से ट्रैवल करना। गाइज अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, यहाँ से बांद्रा के लिए जाना है। लाइक प्रोनाउंसिएशन में बांद्रा बोल सकते हो, बांद्रा बोल सकते हो, बांद्रा और बांद्रा दोनों ठीक है, दोनों एक ही है गाइज, सबकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है ना। और सोनू थंबनेल तैयार कर रही है ब्लॉग के लिए। चाहे हम कहीं भी घूमने चले जाएं भाई, बहुत मेहनत लगती है सोशल मीडिया में, अगर आप हो आपको डेली अपडेट देना पड़ता है और वो चीज हम कर रहे हैं, चाहे रात को देर से सोएं सुबह देर से उठें। गाइस हम पहुंच चुके हैं बांद्रा और यहां से ना शाहरुख खान सर ने बुला रखा है, बोला है कि मन्नत के बाहर आना और देख के चले जाना। गाइस पूरी ट्रिप में हम लोग हेल्दी हेल्दी खा रहे हैं और ये देखो हमने एक फ्रूट चाट ले रखा है, इसके बाद खा के फिर चल रहे हैं सीधे शाहरुख खान सर के बंगले में बाहर से देखने के लिए, बुलाया उन्होंने। हाँ बाहर से देख के चले जाना बोला। आ गई बस भाई, इतनी देर वेट करने के बाद सब लोग कितने मेंटेन तरीके से आ रहे हैं भाई एक एक करके। गाइस हम पहुंच चुके हैं मन्नत के बाहर से और अभी शाहरुख खान सर आ रहे हैं हमें चाय पानी के लिए लेके जाएंगे अंदर। भाई हंस रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ सोनू, है ना, पता है हम क्या सोच रहे हैं, मतलब जो मेहनत है ना, जो फेम कमा रखा है भाई, देख रहे हो आप, वो ना होते हुए भी लोग उनके घर के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, जहाँ वो रहते हैं जो वो पहनते हैं वो सब एक ब्रांड है ना। हम यही सोच रहे हैं कि कभी हम भी ऐसी मेहनत करेंगे, हमारे साथ भी कभी ऐसा मोमेंट आएगा, बट इट डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। अगर ये हम करते रहेंगे ना तो कभी ना कभी ऐसा टाइम तो आएगा भाई, आएगा। ये वाली बिल्डिंग अलग है, ये जो गेट दिख रहा है आपको ये जूम करके, ये वाला इससे इधर को पूरा मन्नत है भाई, पूरा मन्नत अंदर की तरफ। बट एक बार वो आते बाहर बालकनी में हाई कर देते ना भाई, दिन बन जाता पूरा। बर्थडे विश करने आते हैं आपको भाई साहब, फिर तो लोग मेरे इंटरव्यू लेते भाई। तुम में ऐसी क्या बात है जो शाहरुख खान सर ने अपनी बालकनी में आके तुम्हें बर्थडे विश किया? बताओ बताओ बताओ। मैं ऐसी ऐसी फेमस हो जाता हूँ, है ना, यूट्यूब पे मिलियंस में व्यूज आ रहे साला। एंड द थिंग इज गाइस, ये आपको ब्लैक रेलिंग दिख रही है, ये देखो यहाँ पर जब उनका बर्थडे होता है 2 नवंबर को, यहाँ से आके वो सारी पब्लिक को, सारे फैन फॉलोअर्स को हाई कहते हैं। ओके गाइस मन्नत के क्लोज जा रहे हैं, ये CCTV कैमरे में क्या पता हमें देख रहे होंगे, अंदर से ये लगाया उधर लगाया सब जगह CCTV लगा हुआ है। हमें अभी यहाँ पर वेट करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे फैंस हैं अभी लाइन में फोटो के लिए। तो गाइस शाहरुख खान सर की अलग ही फैन फॉलोइंग है भाई, यहाँ पर ना सैफ अली खान का भी है, सलमान खान सर का भी बंगला है, लेकिन जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग इज्जत देते हैं, वो मोस्टली भाई शाहरुख खान सर को है, क्योंकि उन्होंने ना ग्राउंड लेवल से उठ के मेहनत करके दिखा रखा है भाई लोगों को, और ये प्रूफ किया है कि मिडिल क्लास लड़का भी कुछ कर सकता है, कुछ नहीं भाई बहुत कुछ मतलब। और अब हम जा रहे हैं समुद्र की तरफ, चेक दिस आउट गाइस, मस्त व्यू भाई। ये जो समुद्र है ना इधर तक भी आता है, लेकिन अभी देखो पानी थोड़ा कम है। एक और चीज बताऊं, लाइक जैसे मन्नत देखने आ रखे है ना भाई, मन्नत के अलावा भी यहाँ पर सारे घर एक जैसे हैं, बड़े बड़े, बट उन्हें कोई जानता नहीं है, यही तो है भाई नेम और फेम। हाँ। बहुत कम लोगों के पास होता है। देखो पैसा ना हर किसी को सकता है, मतलब हर किसी पे नहीं, बहुत लोगों को हो सकता है, हो सकता है हर किसी पे, ठीक है, मतलब हर किसी पे हो सकता है ठीक। हाँ। है, लेकिन जो नेम और फेम है ना उसकी वैल्यू ही कुछ अलग है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं। गाइज मन्नत यानी बैंड स्टैंड से हम लोग आ चुके हैं वापस स्टेशन पे और यहाँ से अब हमने जाना है जुहू बीच। मैंने आपको सिर्फ मन्नत दिखाया, बट वहाँ पर सलमान खान सर का, जॉन अब्राहम सर का और सैफ अली खान का और टाइगर श्रॉफ का, इन सबके घर थे भाई उधर, बट दिखाया मैंने सिर्फ मन्नत आपको। फिलहाल ट्रेन पकड़ते हैं और निकलते हैं जुहू बीच के लिए। कपड़े चेंज कर लें? हाँ गाइज कपड़े भी तो चेंज करने हैं क्योंकि हमने बीच में जाना है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो हम लेके आ रखे कॉट सेट और सोनू भी लेके आ रखे अपने लिए वन पीस, है ना, अच्छे दिखने चाहिए ना, फिर मेकअप टचअप करना पड़ेगा हल्का हल्का सा क्योंकि भाई का बर्थडे है। उतर चुके हैं स्टेशन पर, अब जुहू बीच के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें कपड़े चेंज करने पड़ेंगे अपने प्यारे प्यारे से। तो गाइस सोनू गई है अभी कपड़े चेंज करने के लिए, उसके बाद मैं भी जाऊंगा एंड उसके बाद हम जाएंगे जुहू बीच के लिए। गाइस कपड़े चेंज कर लिए हैं, ये देखो मैंने पहन लिया कॉट सेट और ये वाली ड्रेस सोनू की, और ये कॉट सेट ना मुझे पता ही नहीं है, मैंने आज इसका टैग खोला भाई, इसने बिना बताई ये लेके आ रखी थी, और
लाइक इसको पता होगा ना पहले से कि मुंबई जाए, सब चीज़ ने प्लान किया था, तो थैंक यू फॉर दिस। फिट आ रखा है बिल्कुल। हम खाना खाने के लिए बैठ रखे हैं टेबल पर और ये यहाँ तैयार हो रही है, देखो बाल मत बनाना यहाँ बाल गिर जाएंगे खानों पर। गाइज मुंबई पहुँच के प्रॉपर खाना हम अभी खा रहे हैं, तो हम लोगों ने खाना पीना तो खा लिया, अब हम जा रहे हैं केक लेने बेकरी में। गाइज केक ले लिया है। ओके गाइज पहुँच चुके हैं हम जुहू बीच में और अब बीच वाली फीलिंग इसलिए भी आ रही है, नीचे रेत है। गाइज बीच गहरा नहीं है, जैसे हम आगे को जाएंगे ना तो एक मिड पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से गहरा है। ये देखो भाई पानी के अंदर अंदर तक घुस रहे थे आगे आगे तक लोग। सोनू क्या बोल रहे हो, बीच में चल रहे हो? बीच में इतना अंदर तक नहीं जाएंगे, बड़े सेलिब्रेट करें पहले, फिर फोटोज वगैरह नहीं आ पाएंगे हमारी कुछ भी ना। अभी देखो सूरज भैया उधर हैं अभी। हाँ भाई अभी सनसेट अभी हुआ नहीं है भाई सनसेट। चलो गाइस एक खाली जगह ढूंढते हैं जहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करें, बट यहाँ पर कोई खाली जगह है नहीं, उधर से इधर तक पूरे लोग ही लोग हैं। वो देखते हैं रोज कहाँ मिल रहे हैं। पहले मैं सोनू को प्रपोज करूंगा गाइस, जब ये इतना एफर्ट कर रही है मेरे लिए तो मेरा फर्ज ही बनता भाई लड़की को खुश करूँ। क्यों सोनू लड़की खुश हुई पड़ी है पहले? बच्चे भाई रेत पे खेल रहे हैं पूरा पूरा मस्त फील ले रहे हैं। गाइस समुद्र के थोड़ा और पास आते हुए अभी वहाँ भी जाएंगे जहाँ पर पानी आएगा, ठीक है। और यहाँ थोड़ी स्मेल भी आ रही है पानी से क्योंकि थोड़ा कीचड़ कीचड़ कर रखा ना इधर की तरफ इसलिए। और हम पे केक सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, मतलब ऐसे एम्प्टी प्लेसेस तो है नहीं, तो हम लोग खड़े खड़े यहाँ पर सेलिब्रेट कर लेंगे। और आपका बर्थडे हम पहली बार मुंबई में आके जुहू बीच पे सेलिब्रेट करें, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ये बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है भाई की वजह से, क्योंकि भाई ने हर एक मोमेंट हमारा कैप्चर कर रखा है, धन्यवाद यार बहुत बहुत। ये फोटोज डलेंगी, ये ब्लॉग डलेगा, सब भाई की मेहनत है। अरे नहीं भाई देखो अकेले मैं नहीं कर पाता इतना सारी चीजें। और सनसेट के साथ भाई ने कितनी प्यारी फोटो खींची मैं बता नहीं सकता आपको। तो गाइस जुहू बीच में खड़े होके हम लोग केक डेकोरेट कर रहे हैं, बस दो बहुत हैं। ओके गाइस केक सेलिब्रेशन हो चुका है और अब मैं सोनू को केक खिलाता हूँ, ठीक है। बाकी व्लॉग प्रॉपर बन नहीं पा रहा है ये वाला क्योंकि भाई तो फोटो क्लिक कर रहे हैं और फोटो इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस। बाकी सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग बर्थडे की फोटोज हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना और वीडियोस भी, ठीक है। लेट्स एंजॉय गाइस। गाइस ये चेक करो भाई अंदर गए थे ना पानी से भीग गया ये, और अब आगे तो गए नहीं लोग, तो उधर उधर तक जा रखे हैं आगे तक, वो देखो भाई बहुत आगे तक गए हैं। राहुल भाई हमारा बैग का वहाँ पर ध्यान रख रहे थे यार। गाइस फोटोशूट एंड वीडियो शूट हर एक चीज़ हो चुकी है, अब सूज पहनना है ना, लेकिन भाई मिट्टी देखो पैरों में चिपकी पड़ी है, लेकिन क्या करना है फिर, अब गंदे तो हो ही गए। गाइस हमने ना बहुत सारी चीज़ें सोची थी, यहाँ पर ना बैलून दिखे आज, ना ही कोई रोज़ दिखा, मैं सोच रहा सोनू को बीच में प्रपोज करूंगा, बट हाँ कल हम गोवा जा रहे हैं, फिर दो दिन बाद अच्छे से आपको वीडियोस आएंगी, गोवा वाले बीच की वीडियोस आएंगी आपको दो तीन दिन बाद, ठीक है। ओके गाइस ऑटो लेके हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए, यहाँ से हमने जाना है सीएसटी, जहाँ से हमने ट्रिप स्टार्ट करी थी ना जहाँ भाई मिले थे हमें, तो सीएसटी जाके फिर वहाँ पर जाएंगे हम फैशन स्ट्रीट पर जहाँ कल गए थे, और वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग और कर लेते हैं क्योंकि यार लास्ट दिन है मुंबई में। क्या लेना सोनू? एक चीज हमारे लिए और एक चीज तो राहुल भाई को एक छोटा सा गिफ्ट देंगे अपनी तरफ से, ज्यादा कुछ तो दे नहीं सकते, लेकिन हाँ एक ऐसा गिफ्ट देंगे जो वो याद रखेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि यार भैया ने इतनी ज्यादा हेल्प करी, मतलब दूसरे शहर में आके एकदम इंसान किसकी हेल्प करता है ना।